इन्वेस्टमेंट रिटर्न और सेविंग के कई प्रकार और समाधान आज के जमाने में अवेलेबल है। गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के परंपरागत तरीकों से लेकर FD और स्मॉल सेविंग स्कीम तक कई योजनाएं हैं। हालांकि SIP इन सब में बेस्ट है। इस रूट के जरिए आप कुछ सालों तक रोजाना महज 50 रुपए बचाकर भी करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल SIP की सबसे बड़ी खासियत कंपाउंडिंग की ताकत है, जिसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का आठवां आश्चर्य बता चुके हैं। उनके हिसाब से इस आठवें अजूबे यानी कंपाउंडिंग को जो समझ लेता है वो इससे कमाता है, और जिन्हें इसकी समझ नहीं वो इसकी कीमत चुकाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के मामले में SIP इसी कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करता है। ये ताकत समझाने के लिए हमने ग्रो के SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। इस कैलकुलेटर के हिसाब से आप अगर रोजाना 50 रुपए यानी महीने के 1500 रुपए SIP करते हैं और इस पर सालाना रिटर्न 15% मान लेते हैं, तो 30 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जमा हो सकता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 5 लाख रुपए, जबकि इसकी कुल वैल्यू करीब 1 करोड़ की हो जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट की रकम थोड़ी सी बढ़ा दें तो आपके पास और बड़ा फंड जमा हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आपको रिटायरमेंट तक 2 करोड़ रुपए तक का फंड जमा करना है, तो आप हर रोज महज 100 रुपए बचाएंगे। हर रोज 100 रुपए बचाने से मासिक निवेश हो जाएगा 3000 रुपए। 15% के हिसाब से रिटर्न के आधार पर आपके पास 30 साल बाद यानी जब आप रिटायर होंगे करीब 2 करोड़ रुपए से भी बड़ा फंड आपके पास तैयार रहेगा। अब ये मान लेते हैं कि आप 30 साल तक का इंतजार नहीं करना चाहते, आप जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट की रकम थोड़ी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 20 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप हर महीने 7000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। इस इन्वेस्टमेंट पर 15% के सालाना रिटर्न के हिसाब से अगले 20 साल में आपके पास करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जमा हो जाएगा।